सतगुर तुम्हारी गुरु जय सत्य गुरु जय सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम सतगुरु आए मोरे अंगनवा परम सुख पायो दादा महा राज के भंडारा तो पूजन करवाई हो गुरु दादा महाराज का भंडन करवाए फूलवारी है फूलानी बगियार सानी खूब फूलवारी है फूलवानी बगिया हर सानी हो करो हरस उल्लास से पूजन घट पट जानी हो करो हरस उल्लास से पूजन घट पट जानी हो मन चित लाओ सतगुरु में परम सुख कहानी हो मन चित लाओ सतगुरु में परम सुख कहानी हो सतगुर परम दयाल मोरे दाता परम महादानी हो सतगुरु परम दयाल मोरे दाता परम महादानी हो युगन युगन से निभट की सुरतिया सबनाई हो युगन युगन से भट की सुरतिया चरण सतगुरु केरी चरणिया चरण तार हो गए हो चरण सतगुरु सतगुरु देव आशीर्वाद धन्य धन्य हो सतगुरु देवे आशीर्वाद धन्य धन्य हो वही हो लागो सतगुरु चरण सब भाई दया बनी आई हो लागो सतगुरु चरण सब भाई दया बनी आई हो सतगुर परम दयाल मोरे दाता दया बरसाई हो सतगुरु परम दयाल मोरे दाता दया बरसाई हो सतगुरु चरणन नमामी कोटि प्रणामी सतगुरु चरणन मामी कोटि परनामी हो सतगुरु जय गुरुदेव देखो प्रेमियों इस समय गुरु दादा महाराज का पावन भंडारे के अवसर पर पूजन का कार्यक्रम चल रहा है महासुखदायी परम प्रिय दयालु दया कृपा के सागर सद्गुरु दया मेहर बरसा रहे हैं। इस समय घटपट खोलने का सुमिरन ध्यान भजन करने का
परम अवसर है। इस अवसर पर चूकना नहीं चाहिए। कहीं भी आप रहिए, बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन गुरु की आराधना पूजा अपने सदगुरु की आराधना पूजा करनी होती है। हाँ, यहाँ पर गुरु दादा महाराज के पावन भंडारे के अवसर पर होती है गुरु की पूजा। प्रेमियों, ये जीवन अमोलक है, मिथ्या चला गया तो बड़ा अफसोस होगा। जीवन में सदगुरु मिल गए तो सब कुछ मिल गया। सदगुरु परम दयाल सौभाग्यशाली एक ऐसी वस्तु है जो बिरला किसी को मिलती है। ये एक ऐसा अमोलक धन है जो सबको प्राप्त नहीं होता। तो प्रेमियों, इन दयालु के चरणों में दया कृपा लेते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। चलाई सूरत सतगुरु चरण नमा, सूरत सतगुरु चरण मा, दुर्लभ पद को पावे, दुर्लभ पद को पावे। जो सूरत जीवात्मा सदगुरु के चरणों में उनके बताए हुए रास्ते पर चलती है, वो सूरत जीवात्मा दुर्लभ, जिस पद को सभी लोग नहीं प्राप्त कर सकते, उस पद को प्राप्त करती है। ऐसे दुर्लभ पद को प्राप्त करती है कि जो बिरला ही किसी को प्राप्त होता है। गगन मंझारी झूला झूले, गगन मंझारी झूला झूले, सतगुरु के संग गावे, सतगुरु के संग गावे। ऊपर ब्रह्मांड में, गगन में, स्वर्ग है, वैकुंठ है, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, बहुत सी चीजें हैं, वो जाती है और वहाँ गगन में झूला झूलती है और सतगुरु के संग गाती है, धन्य धन्य मेरे सतगुरु जो मुझको लाए। यहाँ जन्म जन्मांतर निकल जाता है, पूरा जन्म बीत जाता है, जबते जबते किसी देवी देवता के भी दर्शन नहीं होते और उनकी दया मेहर से नाना प्रकार के कोटिन कोटि देवता देवियों और साथ ही साथ बहुत से धनियों के दर्शन होते हैं, बहुत बड़ी जानकारी प्राप्त होती है। और ये सब जब जानकारी प्राप्त हो जाती है तो सूरत धन्य धन्य हो जाती है। सतगुरु संग जावे जहाँ देसा, सतगुरु संग जावे जहाँ देसा, देखे राम कृष्ण का भेसा, देखे राम कृष्ण का भेसा। सतगुरु के संग जाती है जहाँ राम का देश है, कृष्ण का देश है, उनके राजभवन है, उनके महल है, जहाँ उनकी बैठक है वहाँ पर पहुँचती है, वहाँ दर्शन करती है, उनको नमन करती है, राम को कृष्ण को प्रणाम करती है और खुशी से झूमती है कि हे सदगुरु दयाल, बड़ी दया कृपा की जो हम आपकी दया कृपा से यहाँ पहुँचे। और आनंदमय हो करके अपने गुरु का गुणगान करती रहती है। गुरु चरणन की करे वंदना, गुरु चरणन की करे वंदना, धन्य राम मैं पायो, धन्य राम मैं पायो। अपने गुरु की वंदना करती है, अपने गुरु की आराधना करती है, अपने गुरु की विनती करती है, अपने गुरु की प्रार्थना करती है कि हे सतगुरु, हे दाता दयाल, आपकी दया मेहर से
हम राम के दर्शन पाए, कृष्ण के दर्शन पाए, इनके दर्शन पाए, उनके दर्शन पाए। स्वर्ग वैकुंठ और शिवपुर को, स्वर्ग वैकुंठ और शिवपुर को, ब्रह्मपुरी को गाए, ब्रह्मपुरी को गाए, वैकुंठ को, शिवपुरी को, ब्रह्मपुरी को, ब्रह्मा जी को, शंकर भगवान को, विष्णु जी को, इंद्र भगवान को, ये सब चीजें देखती है और देवी आद्या महाशक्ति की वंदना करती है। देवी आद्या महाशक्ति बड़ी परम दयालु महादेवी है, अष्टांगी देवी महापरम दयालु देवी है। जो उनकी चरण वंदना करता है वो सुख सागर में ही रहता है। देवी मैया परम दयालु, देवी मैया परम दयालु, अष्टांगी आद्या महारानी, अष्टांगी आद्या महारानी। देवी मैया परम दयालु है, परम दया की सागर है, सागर की गोठान है, बहुत दयालु है। आद्या मैया, आद्या महाशक्ति, अष्टांगी मैया, दोनों की बहुत बड़ी दया कृपा रहती है। जो सदगुरु के साथ में रहता है और ध्यान भजन करता है, आराधना करता है, उनके बहुत बड़ी दया कृपा रहती है, बहुत बड़ी दया कृपा बरसती है। और देखते चलते हैं, चलई गगन दुई मुख दरवाजा, चलई गगन दुई मुख दरवाजा, ब्रह्मा पदाजा मंडल राजा, ब्रह्म पदाजा मंडल राजा। और गगन में जाती है ऊपर उस देश में, मालिक की दया कृपा से जब उधर जाती है उस देश में, तो ब्रह्मपद को पाती, ब्रह्मपद को पाती है। और ब्रह्मपद पर फटक शिला पे अपने सदगुरु का दर्शन करती है, लाल मुकाम बहे त्रिवेणी के दर्शन करती है और ब्रह्म के दर्शन करती है। वहाँ राम कृष्ण और नाना प्रकार के बहुत से स्वरूपों का दर्शन करती है। ऐसा अद्भुत नजारा सदगुरु के ही साथ देखने को मिलता है। तो प्रेमी, सदगुरु एक अमोलक वस्तु है, एक अमोलक धन है, सदगुरु से बड़ी कोई चीज, सदगुरु एक दुर्लभ रत्न है। इस दुर्लभ रत्न को प्राप्त करने के लिए जीवन बिता देते हैं, पर जिनके भाग्य में नहीं होता उन्हें सतगुरु नहीं मिलता। सतगुरु परम दयालु ज्ञानी, सतगुरु परम दयालु ज्ञानी, मुखती के सतगुरु हैं खानी, मुक्ति के सतगुरु है खानी। ब्रह्म पद पर ले गए और परम दयालु परम ज्ञानी सतगुरु ही हैं, कोई जीव नहीं होता। जैसे अपूर्व बच्चा माता पिता जब तक बताएगा नहीं, समझाएगा नहीं, तो उसको क्या ज्ञान है, उसको क्या समझ में आएगा। तो सतगुरु ही परम दानी है और परम दाता है, विधाता है, बताने वाला है। जो मार्गदर्शन कर होता है वही प्रभु होता है। जिसने प्रभु को देखा हो वो प्रभुमय हो जाता है। तो प्रभुमय जो हो जाता है उसको प्रभु ही कहा जाता है। इसीलिए ब्रह्म ऋषि को ब्रह्म पद, योगी को योगी, त्रिकालदर्शी को त्रिकालदर्शी, पारब्रह्मदर्शी को पारब्रह्मदर्शी, महाकाल पुरुषदर्शी को महाकाल पुरुषदर्शी और सिद्धांतदर्शी को संत कहते हैं। संत का अंत नहीं होता
और न ही वो कहीं जाते आते आते वो चौबीसों घंटे बस इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर बदला करता है। जो जीव प्रेमी होते हैं अंतर्धारणा में पता लगाते हैं कि फिर हमारे गुरु महाराज यहाँ से उठकर फिर गए कहीं, तो अंतर भी जब रगड़ करता है तो अक्सर रगड़ करे जो कोई अनल पकड़ जगन से हुई तो उसमें पता चलता है कि गुरु महाराज वहाँ है और गुरु महाराज की दया कृपा होती है वो बता भी देते हैं कि इस तरह नहीं इस तरह से है, तो वो उसी मार्गदर्शन पर मार्ग पर चलता है। तो प्रेमियों चलने के कई रास्ते हैं, तो उसी मार्ग पर जो चलता है तो सारे काम हो जाते हैं। सतगुरु सागर लहरे भारी, सतगुरु सागर लहरे भारी, मान सरोवर की गति न्यारी, मान सरोवर की गति न्यारी। सतगुरु के साथ जो मान सरोवर पार ब्रह्म पर जो जाता है वहाँ की लहरें बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा मान सरोवर है जो किसी के कहने सुनने में आता नहीं है और वहाँ की गति बड़ी न्यारी है, बड़ी अनुपम महिमा शोभा बड़ा ही निराला है, क्या क्या कहा जाए कहने सुनने में कुछ आता नहीं। और वहाँ चंदा तारा पार ब्रह्म महाराज धनी वहाँ विराजमान है, चिंगरी सरंगी उनके मुँह से बाजा बजता है और बड़े ही परम दयालु और ज्ञानी शिखर सुन्य और नदियाँ भारी, शिखर सुन्य और नदियाँ भारी, झरना विपिनशिष्ट विस्तारी, झरना विपिनशिष्ट विस्तारी। वहाँ नदियाँ सुरसर सरता झरने जंगल पहाड़ इतने अनुपम छटामान शिखर हैं कि जो कहने सुनने में नहीं आते और ना ही उनकी कहने सुनने की कोई रूपरेखा है। तो ये शून्य पर होता महाशून्य पक है मैदाना, महाशून्य पक है मैदाना, महाकाल महाकाल का यही मुकामा। बढ़िया सफेद मैदान है और कितना लंबा चौड़ा है उसका कोई नाप छोर नहीं है, वहीं पर महाकाल पुरुष का मुकाम है जो परम दयालु परम के पालु महाकाल पुरुष जाता है और उनका कड़ा किला बड़ा ही विकराल है, बिना सदगुरु के उस किले में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। चर चर बचिरे किया चरण चर चब चर बिखिड़ किया, तख तप बैठे हैं महाराजा, तख तप बैठे हैं महाराजा। चार दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, बड़ा किला है और इसको बड़ा ही दुर्गम कहा जा रहा है और यहाँ पर जो है इसको भवर गुफा कहते हैं कि नहीं कहते भवर गुफा इसी को कहते बोल तो नहीं गए। तो देखो
सहज दल कमल त्रिकुटी दसवा द्वार भंवर गुफा सतदार। तो भंवर गुफा इसी को कहती है जहाँ भंवर हो, अगर नदी में भंवर हो अनैया फंस जाए तो क्या होगा। तो उसी तरह उस भंवर गुफा से सतगुरु निकाल दिया। बड़ी ही उत्तम महिमा और बड़ी ही दया कृपा के साथ वो निकाल देती। सत्य नाम सब सूरत समावे, सत्य नाम सब सूरत समावे, सतगुरु के पद छिननी गावे, सतगुरु के पद छिन में गावे। सत्य नाम में सूरत समाती है तो फिर क्या कहने है? अब तो आरे न्यारे हो ही गए और सदगुरु के संग जहां से गई थी चरण कमल में धसी जहां से, चरण कमल में धसी जहां से, वापस आया कर बैठी यहां से, वापस आकर बैठी यहाँ से, जहाँ से घसी थी वापस उधर ही फिर आ गई। जब वापस आ गई तो आगे तो अलक हगन आराम है। देखो प्रेमी समर्थ रस संत रविदास जी ने बहुत से लोगों को समझाया, नाम दान दिया, बताया मार्ग। मीराबाई ने बहुतों को समझाया, बहुत कष्ट उठाया। इसी तरह संतों के जीव जो हैं वो कष्ट उठाते हैं, दुख उठाते हैं, नाना प्रकार की उनको बुराइयां मिलती हैं, नाना प्रकार की चीजें होती हैं, पर उन्हें धैर्य रखना होता है। धैर्य के साथ ही सारा काम होता है। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय, सतगुरु मन मंगन होगा, सतगुरु मन मगन हो जाओ, सतगुरु स्वामी अब आ जाओ, सतगुरु स्वामी अब आ जाओ, घर का बांध टूटता जाए, देर का बांध टूटता जाए, चरणन अपने लिपटाओ, चरणन अपने लिपटाओ, सतगुरु जी मेरे आ जाओ, सतगुरु जी मेरे आ जाओ। विनती प्रार्थना रज हमारी, जल्दी आओ अवध बिहारी, दया कृपा दिखला जाओ, दया कृपा दिखला जाओ, सतगुरु तुम मेरे आ जाओ, सतगुरु तुम मेरे आ जाओ, चरणन तुम्हारे नमन करूं मैं, चरणन तुम्हारे नमन करूं मैं, दयाधार बरसा जाओ, सतगुरु तुम मेरे आ जाओ, सतगुरु तुम मेरे आ